कोई, और चैप्टर नंबर 7 को रिव्यू करके हम जो है इसको फाइनल करते हैं। तो हमने देखा था कि कीरास की जो सीक्वेंशियल एपीआई है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे वो एक लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स पे काम करता था, और अगर आपके पास मल्टी मॉडल इनपुट्स हैं या मल्टी मॉडल आउटपुट्स हैं, या इवन अगर आपके पास टेक्स्ट भी जो है दो टेक्स्ट इनपुट आ रहे हैं, तो कीरास की जो सीक्वेंशियल एपीआई है वो प्रोसेस नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमने देखा था कि और बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है ग्राफ लाइक मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। मॉडल की जो टोपोलॉजी होती है वो ग्राफ लाइक होती है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो उस तरह के सिनेरियोज में सीक्वेंशियल एपीआई काम नहीं कर सकती, तो हमें फंक्शनल एपीआई की तरफ जाना पड़ता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी हमने कि मिसाल के तौर पर अगर आप जो है किसी कपड़े की कीमत जो है मार्केट कीमत मालूम करना चाह रहे हैं, यूज़र कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेटा डेटा दे रहा है, जैसे कि आइटम जो है उसकी ब्रांड क्या है, एज क्या है, और उसकी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है और पिक्चर है, इसकी बेस पे प्रेडिक्शन करना है, तो हम एक जॉइंट मॉडल बनाएंगे। अगर इंडिविजुअल मॉडल बनाते हैं हम तो वो इतनी अच्छी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। मल्टी मॉडल आउटपुट पे भी इसी तरीके से हमें फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी की बेस पे प्रेडिक्ट करना है कि कब लिखी गई है स्टोरी और उसका टाइप क्या है, रोमांटिक स्टोरी है या थ्रिलर है। तो ये तमाम काम करने के लिए हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा नॉन लीनियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, मिसाल के तौर पर इंसेप्शन देखा था हमने। इंसेप्शन जो है एक कॉननेट प्री ट्रेंड आर्किटेक्चर है, जैसे और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं जिसमें स्टार्टिंग विद ली नेट है हमारे पास, एलेक्स नेट है, देन इंसेप्शन है, एक्सेप्शन है, देन रेस नेट है, देन हमारे पास मोबाइल नेट है, डेंस नेट है, ये बहुत सारे आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं। जो इंसेप्शन में क्या होता है, इंसेप्शन के अंदर एक इंसेप्शन ब्लॉक के अंदर हम एक इनपुट को कई पैरेलल ब्रांचेस होती हैं कॉन्वोल्यूशन की, एक इनपुट को कई तरीके से कॉन्वोल्यूशन से गुजारा जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं पे कॉन्वोल्यूशन 2D लगाया, कहीं पे दो कॉन्वोल्यूशन 2D लगाए विद डिफरेंट स्ट्राइड्स, और कहीं पे जो है हमने एवरेज पुलिंग लगाई, कहीं पे तीन कॉन्वोल्यूशन लगा दिए। तो ये मुख्तलिफ तरीके से एक ही इनपुट से फीचर्स निकाले और उनको कंकेटिनेट कर दिया। ये जो फीचर्स आ रहे हैं उनको कंकेटिनेट करके फिर हमने आगे प्रोसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये इंसेप्शन ब्लॉक था। अब इस तरह का मॉडल जो है ये बड़ा इनोवेटिव किस्म का मॉडल है, ये नॉर्मली हम सीक्वेंशियल एपीआई से नहीं कर सकते। फिर रेजिडुअल कनेक्शंस की बात की थी हमने कि अगर आपके पास बड़ा मॉडल है बहुत, और उसमें फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमें जो है रेजिडुअल कनेक्शन चाहिए ताकि हम बड़े नेटवर्क्स को ट्रेन कर सकें। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये आती है कि जब बड़े नेटवर्क होता है तो एक लेयर से दूसरी लेयर को जब ग्रेडियंट्स पास ऑन हो रहे होते हैं तो ग्रेडियंट्स जो है वैनिश हो जाते हैं, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, छोटे होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं या बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने देखा था कि रेजिडुअल कनेक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग लेयर जो है शुरू की लेयर्स में से किसी लेयर को जो है आगे की लेयर से कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसका आउटपुट जो है किसी आगे की लेयर के साथ जो है एड ऑन कर दिया जाता है। उसको एक इनपुट तो आ रहा होगा प्रीवियस लेयर से, और एक जो है हम बहुत पीछे की लेयर का आउटपुट भी जो है उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये रेजिडुअल कनेक्शंस होते हैं। तो इससे इस तरह के सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने देखा था कि फंक्शनल एपीआई में हम जो है लेयर्स खुद बनाते हैं और एक लेयर के ब्रैकेट में दूसरी लेयर पास कर दी तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, ये एक एग्जांपल थी एमनेस्ट की, जिसके अंदर हमने दो तरीके से जो है एक मॉडल बनाया था, एक सीक्वेंशियल एपीआई को यूज़ करके और एक फंक्शनल एपीआई को यूज़ करके।
सीक्वेंशियल एपीआई तो वही जो तरीका है हम देखते आए हैं, सीक्वेंशियल के अंदर जो है लेयर्स को ऐड कर देते हैं। फंक्शनल एपीआई के अंदर हम क्या करते हैं, एक लेयर बनाई, उसके बाद एक और लेयर बनाई और उसको पिछली लेयर से कनेक्ट करना हो तो ब्रैकेट के अंदर उसको पास ऑन कर देते हैं, प्रीवियस लेयर को पास ऑन कर दे, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। आखिर में हम मॉडल बनाते हुए जो है इनपुट और आउटपुट दे देते हैं। तो इस तरीके से फंक्शनल एपीआई काम करती है। ठीक है, कंपाइल वैसे ही होगा, मॉडल डॉट कंपाइल करते हुए आप ऑप्टिमाइजर बताओगे, आरएमएस, प्रॉप, एडम, कोई भी ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस जो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, सिंस दिस इज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। फिर मल्टी इनपुट मॉडल्स हमने बनाए थे कि एक एक क्वेश्चन है उसके साथ रेफरेंस टेक्स्ट है, तो दो टेक्स्ट आ रहे हैं उसको एलएसटीएम से गुजारा हमने और फिर कंकेटिनेट करके डेंस को पास ऑन कर दिया। तो दो इनपुट्स हैं जिसको एलएसटीएम से गुजार रहे हैं, तो हम जो है जब मॉडल बना रहे होंगे तो हम जो है दोनों इनपुट को एज अ लिस्ट पास करेंगे और आउटपुट जो है हमारा आंसर है उसको हमने जो है अलग से पास किया, तो इनपुट और आउटपुट कनेक्ट हो गए। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। इसी तरीके से मल्टी मॉडल आउटपुट पे भी वैसे ही काम करेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, लॉस स्पेसिफाई करना मल्टी मॉडल आउटपुट के अंदर हमें, क्योंकि कई आउटपुट्स आ रहे होंगे, आप एक साथ जो है रिग्रेशन भी अप्लाई कर रहे होगे, क्लासिफिकेशन भी अप्लाई कर रहे होगे, तो आप एक साथ कई तरह के काम कर रहे होगे, तो लॉस जो है कई आ रहे होंगे, उनको कंबाइन कैसे करोगे? उसको कंबाइन करने का तरीका ये होगा कि उनको एड ऑन करो। फॉर एग्जाम्पल रिग्रेशन की वैल्यू जो है वो मीन स्क्वायर एरर आएगा या मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, एम ए ई या एम एस ई, और इसी तरीके से क्लासिफिकेशन का लॉस आएगा कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। आप इनको कंबाइन करने के लिए आपने या तो ऐड ऑन करोगे जब, तो एक वैल्यू हो सकता है कि वो स्केल में बड़ी हो, दूसरी छोटी हो स्केल में, तो एक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको लॉस को जो है वेट्स देने होंगे, तो आप वेट्स भी दे सकते हो अलग से जो आगे हमने दिया है। लॉस को बैलेंस करने के लिए हमने अलग अलग वेट्स दे दिए हैं। मिसाल के तौर पर एज जो क्योंकि रेग्रेशन है, रेग्रेशन की वैल्यूज बड़ी आ रही होती हैं, तो उसको कम वेट दो ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। इनकम को जो है 1 वेट दे दिया, जेंडर को 10 दे दिया क्योंकि वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, बहुत छोटा होगा, तो उसको जो है 10 वेट दे दिया। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर हमें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाना होता है। मिसाल के तौर पर इंसेप्शन के अंदर, अब इस तरह का आर्किटेक्चर कैसे बनेगा? इस तरह का आर्किटेक्चर बनाने के लिए आप जो है पहले कॉन्फ 2D लगाया जिसमें 128 फिल्टर्स हैं और 1 by 1 का कॉन्वोल्यूशन है, ये पहली ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच में क्या है, कॉन्फ 2D और कॉन्फ 2D है, तो दूसरी ब्रांच में कॉन्फ 2D लगाया, एक 1 by 1 का, एक 3 by 3 का। तीसरी ब्रांच के अंदर देखें अगर पीछे जाके एवरेज पुलिंग है और कॉन्फ 2D है, तो हम एवरेज पुलिंग और कॉन्फ 2D लगाया, और चौथी ब्रांच के अंदर कॉन्फ 2D, तो हम वही लगा देते हैं, कॉन्फ 2D। तो ये 3 पैरेलल ब्रांचेज हैं, इनको कंकेटिनेट कर देंगे हम, कंकेटिनेट करके जो है आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। तो ये इंसेप्शन का मॉड्यूल बनाना नॉर्मली जो है सीक्वेंशियल एपीआई से नहीं हो सकता, ये इसके लिए आपको फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्सेस इज इक्वल टू 1 इसका आर्गुमेंट होगा, आप देख ले जाके -1 का क्या मतलब उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, इसको एपीआई आप स्टडी कर लिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा एक्सेस इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब है।
फिर रेजिडुअल कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे, यह मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया भी था, इसको दोबारा चला के देख लेते हैं। ये एमनेस का डेटा सेट है, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लेयर आई है, इनपुट लेयर, इनपुट लेयर के साथ मैंने एक लेयर लगाई है एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गई। फिर दो लेयर्स और लगाई हैं और इसमें आखिरी वाली लेयर में वाई पड़ा होगा। अब मैंने एक्स और वाई को ऐड किया है, एक्स और वाई को ऐड किया है, ये आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, ये रेजिडुअल कनेक्शन है। दिस इज रेजिडुअल कनेक्शन कि मैंने जो है एक्स और वाई को ऐड किया है, उसके बाद फिर ये रेजिडुअल कनेक्शन लगाने के बाद फिर डेंस लगाया मैंने, और क्योंकि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट की, तो उसके ऊपर जो है रिग्रेशन प्रॉब्लम अप्लाई करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। ये 100 ईपॉक्स तक चलता रहेगा। एक्स्ट्रा लेयर नहीं बनेगी रेजिडुअल कनेक्शन की। रेजिडुअल कनेक्शन का मतलब है एक पीछे की लेयर, ये एक्स पीछे की लेयर थी ना, उसको वाई के साथ ऐड कर दिया, वाई और एक्स को ऐड करके जेड नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो। तो एक पीछे की लेयर को उठा के जैसे यहाँ पे करा है, यहाँ पे पीछे डायग्राम भी दिखाई थी इसकी, ये है एग्जाम्पल, ये एक पीछे लेयर की लेयर का आउटपुट उठा के आगे की लेयर के साथ ऐड कर दिया। तो हमारी एग्जाम्पल में ये एक्स था और ये वाई था। तो वाई और एक्स ऐड हुए और उसके बाद हमने डेंस लगाया था यहाँ पे, ठीक है। पिछली स्लाइड में कंकेटिनेट कर रहे थे पैरेलल ब्रांचेस को, वो ये नहीं था कि पीछे की ब्रांच को कर रहे थे, पैरेलल ब्रांचेस थी। यहाँ पर हमने जो कंकेटिनेट किया था ना, ये पैरेलल ब्रांचेस हैं, ये तीन, इनको कंकेटिनेट किया था। इसमें से ये नहीं था कि कोई पीछे वाली आगे से कनेक्ट हो रही है, ये एक ही इनपुट से तीन ब्रांचेस निकली जो आगे आगे कनेक्ट हो रही है, ये रेजिडुअल नहीं है। रेजिडुअल का मैंने बताया ना, जब बड़ा नेटवर्क हो आपके पास, जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, एक लेयर से जब दूसरी लेयर को ग्रेडियंट पास ऑन होता है वो छोटा होता जाता है, जब बहुत सारी लेयर होंगी तो ये छोटा होते 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 जीरो पे पहुंच जाते हैं। तो पीछे का डेटा आगे पहुंचाने के लिए आपको रेजिडुअल कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वरना पीछे का डेटा जब आगे पास ऑन होगा तो वो बिल्कुल जीरोइज हो चुका होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे भी, LSTM पे भी अप्लाई हो कर सकते हैं, ठीक है जनाब। सो दैट इज रेजिडुअल कनेक्शन। फिर लेयर वाइज लेयर वेट शेयरिंग, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें आप सिर्फ इतना याद रखें कि एक लेयर को आप एज अ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से एक मॉडल को भी एज अ फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं,
और दूसरी बात ये कि एक लेयर को आप कई जगहों पर आप कॉमन यूज कर सकते हैं, एक ही लेयर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेयर डॉट एल एस टी एम है, यह आपने इनपुट लेफ्ट के साथ भी यूज किया और इनपुट राइट के साथ भी यूज किया। लेफ्ट के इनपुट में को आपने एल एस टी एम के ब्रैकेट में पास कर दिया, तो ये एल एस टी एम जो है ये लेफ्ट से कनेक्ट हो गया, लेफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया। फिर इसको राइट पास किया तो ये राइट के साथ भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मॉडल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फंक्शन। अभी आगे एक और एग्जांपल आएगी, मॉडल एज लेयर्स। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के ब्रैकेट के अंदर आपने जो है लेफ्ट पास कर दिया और राइट पास कर दिया, एक्सेप्शन के लेफ्ट और राइट दोनों पास कर दिया, तो डेट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक ही मॉडल को आप कई जगहों पे शेयर कर सकते हैं, उनके वेट्स भी शेयर हो जाएंगे। इसी तरीके से लेयर्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है हम कॉल बैक्स को देखते हैं। उसको अपने काम में जो है, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को ठीक कर रहा है, कोई मसला नज़र आता है, तो वो क्या करता है अपने टूल बेल्ट से उस चीज़ को निकालता है, कोई इक्विपमेंट निकालता है और उसकी मदद से जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी जो है, आपके पास आपके बैग के अंदर वो ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स होना ज़रूरी है, वो ज़रूरी टूल्स होना ज़रूरी है, जिनकी मदद से आप मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आपको नज़र आता है कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास उसका सलूशन होना चाहिए। तो एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है, आप अपने मॉडल को जब आपने ट्रेनिंग पे लगा दिया, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एक पेपर एरोप्लेन है, आपने लगा दिया, अब आप उसके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, बल्कि ये इट शुड बी लाइक अ ड्रोन कि जो अपने स्टेशन पे अपना डेटा भेज रहा हो सेंस करके, और आप क्या कर सकें उस डेटा की मदद से डिसीशन ले सकें और कमांड्स भेज सकें ड्रोन को, ड्रोन की डायरेक्शंस को सेट कर सकें, इंस्ट्रक्शंस दे सकें। तो इस मकसद के लिए कॉल बैक को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉल बैक की मदद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग को अर्ली स्टॉप करना है क्योंकि आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव नहीं हो रही, आपका लॉस इम्प्रूव नहीं हो रहा, आपको अपने मॉडल को चेक पॉइंट करना है, सेव करना है उसकी स्टेट को, जो बेस्ट मॉडल अभी तक का है उसको सेव करना है। ठीक है, आपने जो है लर्निंग रेट को या मॉडल के कुछ पैरामीटर्स को, हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करना है। इसके अलावा लॉगिंग और वैलिडेशन मैट्रिक्स जो प्रिंट होते हैं आप लोग जब मॉडल चलाते हैं, वो भी कॉल बैक की मदद से ही आ रहे होते हैं। तो हमने जो है मिसाल के तौर पर अर्ली स्टॉपिंग कॉल बैक और मॉडल चेक पॉइंट को हमने लास्ट क्लास में इस्तेमाल करके देखा भी था, उसकी मैं एक दफ़ा फिर डिमॉन्स्ट्रेशन कर देता हूँ। ये कॉल बैक है अर्ली स्टॉपिंग का, इसके पैरामीटर्स में आप मॉनिटर किस चीज़ को करना चाह रहे हो, मीन एब्सोल्यूट एरर को मॉनिटर करना चाह रहे हो, पेशेंस आपने 5 दिया है, तो 5 दफ़ा जो है अगर ऐसा हो कि आपका मॉडल जो है इम्प्रूव नहीं कर रहा तो ये स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि आपने पेशेंस 5 दिया, 5 दफ़ा ये इट कैन टॉलरेट, लेकिन अगर 6ठी दफ़ा जब भी मॉडल इम्प्रूव नहीं कर रहा तो ये स्टॉप कर जाएगा। एक और चेक मॉडल आपने लगाया है, कॉल बैक लगाया है मॉडल चेक पॉइंट का, जो कि माई मॉडल डॉट एच 5 के नाम से आपके मॉडल को सेव कर देगा, सिर्फ बेस्ट को सेव करेगा, और ये पैरामीटर जो है आपने
कॉल बैक लिस्ट में पास करनी है। ठीक है, इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मॉडल जो है सेव हो जाएगा। ये अभी तक चल रहा है, 5 दफ़ा कोई गलती नहीं हुई। जैसी 5 दफ़ा जो है, ये 5 दफ़ा एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, 5 दफ़ा ऐसा हुआ, ये मीन एब्सोल्यूट एरर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो ये रुक गया मॉडल। इसने जो है सेव कर दिया है ये मॉडल माई मॉडल डॉट एच फाइव के नाम से। ठीक है जनाब, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। इसके अलावा आप अपने कॉल बैक भी बना सकते हैं। अपना कॉल बैक बनाने का क्या तरीका है, आपने कीराज डॉट कॉल बैक डॉट कॉल बैक की क्लास को एक्सटेंड करना है, इनहेरिट करना है या सब क्लास करना है, और उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स को ओवरराइड करना है, ऑन ईपॉक एंड, ऑन ईपॉक बिगिन, ऑन ट्रेन बिगिन, ऑन ट्रेन एंड। जब आप अपना मॉडल चलाओगे तो ट्रेनिंग स्टार्ट होते हुए प्रिंट कराएगा ये, ट्रेनिंग एंड होते हुए, ईपॉक स्टार्ट होते हुए, ईपॉक के एंड होते हुए। ठीक है, तो ये हर स्टेप पे प्रिंट कर रहा है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा इसको प्रैक्टिस कर लें, एक तो कॉल बैक चला के देख लें और एक एक्टिवेशन लॉगर को चला के देख लें। ठीक है, अपना कॉल बैक बना के देख लें और कॉल बैक की मदद से मॉडल को सेव करना, ये दो अच्छा जी। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम। अब जरा हम टेंसर बोर्ड विजुलाइजेशन को देख लेते हैं, ये भी हम देख चुके हैं वैसे लास्ट क्लास में। इसके कॉल बैक का नाम ही टेंसर बोर्ड है, तो कॉल कीराज डॉट कॉल बैक्स डॉट टेंसर बोर्ड, और इसके आर्गूमेंट्स में आपको लॉग डायरेक्टरी बतानी होगी और हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी बतानी होगी, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको सेट करने पड़ेंगे, और मॉडल डॉट फिट करते हुए आपको कॉल बैक देना पड़ेगा। इसको मैं रन करता हूँ और इसको हम जो है विजुलाइज करके देखते हैं, इसको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा हमें। टेंसर बोर्ड को चलाने के लिए हमें आर्गुमेंट देना पड़ेगा, लॉग डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी, एक कमांड देनी पड़ेगी हमें, और ये टेंसर बोर्ड चल जाएगा। टेंसर बोर्ड चल गया, अब जो है आप इसको लोकल होस्ट पे ब्राउज करके देख सकते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 6006। यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स जो है उनके ग्राफ्स आ रहे हैं, अगर आप जो है हिस्टोग्राम देखना चाहें तो हर लेयर के एक्टिवेशंस का हिस्टोग्राम शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप टेंसर बोर्ड के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन शो हो जाएगी, ग्राफ्स देखना चाह रहे हैं ग्राफ्स शो हो जाएंगे। तो ये आपके मॉडल का ग्राफ शो हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब रिड्यूस एल आर ऑन प्लेट्यू कॉल बैक, ये एक कॉल बैक है जो कि जब कॉल होता है जब आपका ग्रेडियंट डिसेंट किसी प्लेट्यू में फंस जाता है। प्लेट्यू की डेफिनेशन अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें तो एक हमवार सतह होती है जिसमें कोई अप डाउन नहीं होते, एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल हाई ग्राउंड, एक ग्राउंड है जिसमें लेवल बराबर है हर जगह से,
ग्रेडियंट डिसेंट तो काम ही इस बेस के ऊपर करता है कि जहाँ पे उसको जो है डिसेंट होता हुआ, यानी आप एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर अगर आपने जो है कोई बॉल गिराई तो वो नीचे आती जाएगी, जहाँ पे उसको जो है नीचे आने का रास्ता मिलेगा उस रास्ते से वो नीचे आएगी। लेकिन प्लेटू है, प्लेटू में तो पूरी हमवार सतह है, तो ग्रेडियंट डिसेंट वहाँ पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, प्लेटू देखें आप किस तरह की सतह होती है, ये एक हमवार सतह है, बिल्कुल प्लेन, ये प्लेटू है, ये सतह प्लेटू कहलाती है। अब इसमें ग्रेडियंट डिसेंट फंस जाता है, तो इससे निकलने का तरीका क्या होता है कि आपने लर्निंग रेट को थोड़ा अप या डाउन, थोड़ा बढ़ा दें या कम कर दें। तो इसका तरीका क्या है, एक कॉल बैक है हमारे पास, रिड्यूस LR ऑन प्लेटू, मॉनिटर कर रहे हैं आप वैलिडेशन लॉस को, लॉस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, फैक्टर इज इक्वल टू 0.1 दिया तो लर्निंग रेट को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देगा। आप लर्निंग रेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो लर्निंग रेट को 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो लर्निंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा अपना कॉल बैक लिखना तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, टेंसर बोर्ड, फिर मैंने बताया था टेंसर बोर्ड को किस तरीके से चलाना है, आपने कॉल बैक है टेंसर बोर्ड का, वो आपने इस्तेमाल करना है, keras.callback.tensorboard, और इसको डायरेक्टरी बता दी आपने माई लॉग डायर, यही डायरेक्टरी आपको जो है टेंसर बोर्ड चलाते हुए भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, टेंसर बोर्ड माइनस माइनस लॉग डायर इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर डायर, ये डायरेक्टरी आपने खुद बनाई होगी। और फिर इसको यहाँ पे लोकल होस्ट 86006 पे चलाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ दी बुक, बुक के आखिरी सेक्शन के ऊपर कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, जिसमें एक है बैच नॉर्मलाइजेशन। अमूमन हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि ग्रेडियंट्स जो हैं उसके बहुत अप डाउन हो रहे होते हैं, फीचर्स जो होते हैं उनका स्केल डिफरेंट हो सकता है, तो आप क्या करते हो डेटा को मीन माइनस कर देते हो डेटा में से और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हो, तो तमाम वैल्यूज 0 और 1 के बीच में आ जाती हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया, लेकिन क्या हर लेयर के बाद जो डेटा निकल रहा है वो भी 0 और 1 के बीच में होगा, ऐसा नहीं होता। शुरू में तो आपने नॉर्मलाइज कर दिया लेकिन एक लेयर ने उसको प्रोसेस किया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया या कम कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ सकती है, इसको हल करने के लिए हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, बैच नॉर्मलाइज। किस तरीके से हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बैच नॉर्मलाइज। बैच नॉर्मलाइज क्या करता है, ये कीरास के अंदर एक लेयर है, हर लेयर के बाद आप बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दो तो वो डेटा को नॉर्मलाइज कर देगा, 0 और 1 के बीच में ले आएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बैच नॉर्मलाइजेशन बूस्टन के डेटा के ऊपर ही हम बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो आपके पास इनपुट लेयर है, उसके बाद डेंस है, उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दी आपने, तो डेटा बैच नॉर्मलाइज हो जाएगा। बैच नॉर्मलाइज का क्या मतलब है, किसी लेयर से जो डेटा निकल रहा है उसको 0 और 1 के बीच में लेकर आ जाओ, उसको नॉर्मलाइज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मॉडल अच्छा काम करेगा, जल्दी कन्वर्ज होगा, एक्यूरेसी अच्छी आएगी, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बैच नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा मैंने बता दिया आप लोगों को, ग्रेडियंट जो है वो बड़े नेटवर्क में 0 होना शुरू हो जाता है, तो रेजिडुअल कनेक्शन जो मसला हल करती है
बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, डीपर नेटवर्क बना सकते हो। यही काम आप बैच नॉर्मलाइजेशन से भी कर सकते हो। जितने भी प्री ट्रेंड कॉननेट्स हैं, जैसे एक्सेप्शन, इंसेप्शन, रेसनेट, वो सब इस बैच नॉर्मलाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं मैं, कि आपकी एक लेयर से जो डेटा निकल रहा है उसको नॉर्मलाइज कर दो आगे जाने से पहले, ताकि वैनिश ना हो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना हो जाए, 0-1 के बीच में रहे। तो इस बैच नॉर्मलाइजेशन की मदद से हम वैल्यूज़ को एक सर्टेन लेवल पर रखते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इसका तरीका क्या होता है, लेयर्स डॉट बैच नॉर्मलाइजेशन को लगा दो एक लेयर के बाद, ठीक है। फिर बैच रीनॉर्मलाइजेशन भी है, और इसके अलावा सेलू भी है, सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क। ये भी नॉर्मलाइज ही करता है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करता है जिसे सेलू कहा जाता है। ये रिसर्च की बातें हैं, ये इतना काम नहीं आएंगी अभी आप लोगों के इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ था तो मैंने कर दिया, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की। जी, आपका आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तमाम जो है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बैच नॉर्मलाइजेशन को, ठीक है। बैच नॉर्मलाइजेशन ही ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे आप, बाकी ये जो एडवांस बातें लिखी हुई हैं ये इस्तेमाल नहीं होंगी। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अगला टॉपिक है। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन, डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन का क्या मकसद है? देखो, जब हम कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं, आपके पास एक इमेज होती है, ठीक है। इस पे अगर आप 64 फिल्टर्स लगाओगे, नॉर्मली हम कॉन्वोल्यूशन एक दफ़ा नहीं अप्लाई करते, बल्कि 64, 32, 128 टाइम्स, तो इसके 64 फिल्टर्स बन जाते हैं, 64 डेप्थ हो जाती है इसकी, ये डेप्थ कहलाती है। 64 फिल्टर्स अप्लाई हुए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अगर इस पर फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो 64 से हम मिसाल के तौर पर 128 पे लेके जाना चाहें, तो यहाँ पे फिर 128 हो जाता है। तो ये फिल्टर्स हम कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन से दो चीज़ें होती हैं, कॉन्वोल्यूशन जो है दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपका इमेज का साइज छोटा हो रहा होता है, विड्थ और हाइट में एक रॉ एक कॉलम लेफ्ट से और टॉप से, और इसी तरीके से राइट से और बॉटम से, तो दो रॉज और दो कॉलम्स ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, चैनल्स जो हैं उसके वो भी कम ज़्यादा हो रहे होते हैं। अगर आपने 64 से 128 कर दिया तो 128 चैनल हो गए, फिर आप 32 पे लेके चले जाओ। तो दो डायरेक्शन में, चैनल वाइज भी और स्पेशियली भी जो है ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में होता है, लेकिन डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में आप चैनल को अलग अलग कर देते हो, चैनल पे काम नहीं कर रहे होते आप। हर चैनल पे मिसाल के तौर पर ये 64 है, अब 64 पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करोगे तो ये 64 ही रहेगा, इसकी चैनल्स कम या ज़्यादा नहीं होंगे। चैनल्स कम या ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/1 का कॉन्वोल्यूशन अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, हर चैनल पे अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रहा था। अभी तो आपने देखा ना कि नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में चैनल्स कम या ज्यादा हो रहे होते हैं, डेप वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में हर चैनल पे अलग अलग काम हो रहा होता है, चैनल्स अलग नहीं हो रहे होते।
तो आप सेपरेट कर देते हो स्पेशल फीचर्स को और चैनल वाइज फीचर्स को, तो ये लाइट वेट हो जाता है, ठीक है, ये एफिशिएंट होता है, लाइट वेट होता है। क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर आपके पास 64 चैनल्स हैं, तो 64 चैनल्स को इसने अलग अलग कर लिया, ठीक है, और हर किसी पे कॉन्वोल्यूशन अलग अलग अप्लाई किया। नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, एक साथ ही जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं ये, चैनल बताया ना मैंने, नंबर ऑफ फिल्टर्स। मिसाल के तौर पर ये एक इमेज है, इस पे अगर आप 64 फिल्टर लगाओगे तो इमेज भी छोटी होगी और ये 64 हो जाएंगे, ये 64 फिल्टर्स बनेंगे, 64 इमेजेस अलग अलग हो जाएंगे, ये चैनल्स कहलाएगा, ठीक है। तो पहले ये अलग अलग फिल्टर्स को अलग अलग कर लिया और हर किसी पे अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद फिर कॉन्केटिनेट करेगा, और फिर अगर फिल्टर कम या ज्यादा करना हो तो अलग से वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करो, ठीक है। फिल्टर की जो मिक्सिंग है वो अलग से हो रही है और कॉन्वोल्यूशन अलग से अप्लाई हो रहा है, तो ये कहलाता है डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है। इसका फायदा क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। ये लाइट वेट है, जब ट्रेनिंग आपके पास डेटा कम हो, जब आप अप्लाई करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, डेप वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करा हुआ है, तो कॉन्वोल्यूशन की जगह पे सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दो, बस यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें 32 फिल्टर्स हैं, ये अलग अलग अप्लाई होंगे, एक साथ अप्लाई नहीं होंगे, नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में एक साथ अप्लाई हो रहे होते हैं, 32 से फिर 64 हुए, फिर 64 हुए, लेकिन ये अलग अलग अप्लाई होंगे, जल्दी फास्ट काम होगा ये, ठीक है। तो ये डेप वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन। अब मैं चाहता हूँ आप लोग जो है चैप्टर नंबर 5 में आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की थी कैट्स वर्सेस डॉग्स के डेटा के ऊपर, ये एमनेस पे करी थी, एमनेस पे कर लें। ये देख रहे हैं ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये विड्थ और हाइट है, जब इस पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हुई तो ये चैनल्स बन गए, ये विड्थ और हाइट जो है ये एक इमेज नहीं है, ये कई इमेजेस बनेंगी, जितने चैनल्स होंगे उतनी इमेजेस आएंगे, ठीक है। ये एक चैनल है, ये नीचे दूसरा चैनल है, ये तीसरा चैनल है, ये डेप्थ भी कहलाती है, इसको डेप्थ भी कहते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एमनेस्ट के डेटा के ऊपर जो है डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है, ठीक है। 15 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एमनेस्ट के डेटा के ऊपर डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके देखें, ठीक है। ये एमनेस्ट का डेटा है, इस पे काम हुआ हुआ है, ये मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन के बदले डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है। 15 मिनट दे रहा हूँ, जरा कर लें इसको। मीटर ऑप्टिमाइजेशन, जब हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं कि हमारा मॉडल कितने लेयर्स का बनाए, हर लेयर पे कितने फिल्टर्स अप्लाई करें, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है।
बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें या ना करें, ड्रॉप आउट यूज़ करें या ना करें, ये कुछ फैसले हमें करने होते हैं। ये हाइपर पैरामीटर्स कहलाते हैं, नंबर ऑफ लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्वेश्चन जो है ये आता है अंडर द हेडिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर्स ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर 4 में हमने कुछ हद तक पढ़ा था कि हम जो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाइपर पैरामीटर्स को बढ़ाते रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप हाइपर पैरामीटर्स को बढ़ाते रहते हैं अंटिल के आपका मॉडल जो है ओवरफिट होना शुरू हो जाए। तो वहाँ पे आप रुक जाते हैं, आप बोलते हैं आप मजीद नहीं बढ़ाऊंगा वरना और ओवरफिट होने लगेगा, फिर आप जो है ड्रॉप आउट लगाते हो। इस तरीके से आप जो है मॉडल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश करते हो। ठीक है, इन प्रैक्टिस एक्चुअली ये तजुर्बे की बात है, एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीखोगे कि कौन से हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। कुछ टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इन जनरल जो है आप क्या करोगे, हाइपर पैरामीटर्स को रैंडमली सेलेक्ट करोगे, शुरू में मॉडल बनाओगे, फिर जो है हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करके थोड़े से बढ़ा के कम करके चेक करोगे, ये प्रोसेस रिपीट करोगे अंटिल के आपका मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे। कुछ टूल्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक यंग फील्ड है, नई फील्ड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स तो अवेलेबल नहीं है। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ग्रिड सर्च या रैंडम सर्च, एक और टेक्निक है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आके आपकी हेल्प करते हैं। ग्रिड सर्च की मदद से आप पैरामीटर्स आइट्रेट करके सेलेक्ट करते हो, रैंडम सर्च है जिसमें रैंडमली पैरामीटर्स डाल के चेक करते हो। और इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जिनमें हाइपर ऑप्ट के नाम से टूल है, इसको इस्तेमाल करके देखें आप लोग। अनदर टूल हाइप्रास के नाम से मौजूद है, इसको इस्तेमाल करके देखें आप, जिसकी मदद से आप हाइपर पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस मॉड्यूल में हम जो है टाइम कम है तो हम लिमिटेड चीज़ें ही कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर सकते, तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है इन टूल्स को। ठीक है, हाइप्रास और हाइपर ऑप्ट के नाम से ये दो टूल है। हमारा आज का आखिरी टॉपिक जिसके बाद हम एंड करेंगे, मॉडल इनसेम्बलिंग। मॉडल इनसेम्बलिंग का मतलब है कि कई मॉडल्स को मिला के जो है प्रेडिक्शन परफॉर्म करना। जब एक मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा हो, कई छोटे छोटे मॉडल्स को मिला के आप पूल करके उनकी प्रेडिक्शंस को आप ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। केगल के जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उसमें मॉडल इनसैम्बलिंग की मदद से जो मॉडल्स बनाए गए हैं उन्होंने ज़्यादातर विन किया है, ज़्यादातर विनर्स ने यही यूज़ किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट छोटे छोटे मॉडल्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वीक लर्नर्स हैं लेकिन बेस लाइन प्रडिक्शन से अच्छी प्रडिक्शन कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके आप एक बेहतर मॉडल बना सकते हो। वजह इसकी क्या है, हर मॉडल जो है वो डेटा के किसी खास पहलू को देख रहा है, जब उन सबको मिला लिया जाए तो डेटा के तमाम पहलू कवर हो जाते हैं। आसान तरीका क्या है, सबकी प्रेडिक्शन को कंबाइन करके एवरेज निकाल लो। तो मॉडल ए की प्रेडिक्शन आ रही है, प्रेडिक्ट ए, मॉडल बी की प्रेडिक्शन आ रही है, सी की आ रही है, डी की आ रही है, इन सब का एवरेज निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो या 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेस्ट प्रेडिक्शन आ जाएगी। इसके अलावा आप वेटेड एवरेज भी ले सकते हो, एक मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी आई है, दूसरे की कम आई है, तो जो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है उसकी प्रेडिक्शन को ज़्यादा वेटेज दो, जिसकी ख़राब आ रही है उसकी प्रेडिक्शन को कम वेटेज दो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो।
यहाँ पर मैं आपको दो टेक्निक्स का तस्करा करूँगा, वैसे तो बुक के अंदर नहीं है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक होती है बैगिंग, ठीक है, ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई है बैगिंग। और दूसरी है बूस्टिंग, ठीक है। बैगिंग में क्या होता है, जो कई क्लासिफायर्स हैं वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन करना है कि ये एप्पल है या ऑरेंज है, चार क्लासिफायर कह रहे हैं ये एप्पल है, एक कह रहा है ऑरेंज है, तो आप किसकी बात मानेंगे? अकॉर्डिंग टू वोटिंग, जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसकी बात आप मान लेंगे, तो डैट इज़ बैगिंग कि आपने वोट्स के ऊपर प्रेडिक्शन करनी है। बूस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, एक चेन होती है, एक क्लासिफायर की बेस पे दूसरा क्लासिफायर बनता है, दूसरे की बेस पे तीसरा बनता है, तीसरे की बेस पे चौथा, जो फाइनल क्लासिफायर बनता है वो सबसे अच्छा होता है, तो डैट इज बूस्टिंग। बूस्टिंग में चेन होती है एक तरीके की। तो ये दो मॉडल्स इस असेंबलिंग के मौजूद हैं।